दोस्तों ये देखिए मेंढे के बच्चे है सारे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना। आइए ऑनर से इसकी डिटेल्स लेते हैं और प्राइस भी पूछेंगे। कितने महीने के भाई? गुड़िया के? हाँ। अच्छा तो ये क्या पट्टी की रेटिंग है भाई? ये 6000 से। 6000 की पट्टी है। हाँ। फाइनल प्राइस रहेगा तुम्हारा? हाँ। इसमें कम ज्यादा कुछ? कम ज्यादा हो जाएंगे। हो जाएगा ना? हाँ। तुम्हारा नंबर दो। 95 52 44 54 40 दोस्तों इसमें भी कुछ 5 महीने 6 महीने के बच्चे है मिंडो के, काफी वजन वाले बच्चे। आइए ऑनर से इसकी प्राइस पूछेंगे। ज्यादा क्या भाव नहीं दीजिए? काय भाव नहीं दीजिए? मैं काय पट्टी दीजिए? 8000 रुपये। किती महीने चे असेल? 3.5-4 महीने चे का? 8000 चे भाव नहीं। दर हफ्त्याला आपला क्वांटिटी मार होतो? 15-20 महिने। तुमचा नंबर भेटेल? नंबर भेटेल। जे नंबर? 97-97-67-62-62-62-97-45 ओके दादा थैंक यू। दोस्तों मेंढो की काफी क्वांटिटी माल रहता है यहाँ पे, कंटिन्यू मेंढो का माल आप देखोगे। बकरियों के सेक्शन में इतना नहीं है लेकिन मेंढो के माशाल्लाह पूरा भरा हुआ है, इतना रश है मेंढो में। इसमें आपको बच्चों से लेके बड़ों तक के भी मिलेंगे। फोटो आपला माल आहे का काही? हा तुमचा नाही? जाऊ दे ना, काही नाही, बसेल चांगलं। किती वर्षाचे? महिन्याचे का? 5-5 महिन्याचे। काय म्हणतो? 5-5 महिन्याचे वर्षाचे का? दोस्तों ये 5-5 महीने के बच्चे, 5-6 महीने के बच्चे बता रहे हैं, लेकिन आप देखो इनकी साइज। बाकी बस दे साइज देखिए आप, 5 महीने का 6 महीने का बता रहे हैं, लेकिन साइज काय भावाने दीचे? 24,000। सिंगल? सिंगल आस्किंग प्राइस है दोस्तों इनका सिंगल पीस का। बाकी आप आइए देखिए, देख कर लीजिए, रेट वगैरह कीजिए। बच्चे माशाल्लाह काफी अच्छे है, बेहतरीन। कुल तुमचा नंबर? तुमचा नंबर क्या? 93-25-33-67-93। सांगा ना परत एकदा। 93-25-33-67-67-93। ओके दोस्तों ये देखिए सिंग वाले मेंढे, कर्नाटकी मेंढे। अभी ये बच्चे कुछ 3-3 महीने के आसपास के बच्चे रहेंगे। इस मेंढे में जरा खूबसूरती होती है, बाकी मेंढियों मेंढे जैसे नहीं होते, इनके बाल वगैरह भी थोड़े बकरियों टाइप अच्छा लगता है ये देखने के लिए। इन्हें लेकर पाल सकते हो आप। आइए ऑनर से प्राइस पूछेंगे इसकी। दादा क्या भाव नहीं दीजिए? 8000 रुपये। 8000 रुपये के हिसाब से बता रहे हो? ये वाले मेंढे देखिए दोस्तों, ये भी 2-2.5 महीने 3 महीने के आसपास के मेंढे। मेंढो में इतना नॉलेज नहीं है दोस्तों हमें, उम्र का अंदाजा भी हम लोग अंदाजे से बता रहे हैं, जैसे बकरियों को देखकर पता चलता है, वैसे मेंढो में इतना काम नहीं है इसलिए इनकी उम्र समझ में नहीं आती। आइए ऑनर से पूछेंगे इसकी डिटेल्स।
दादा किती महिन्याचे? किती महिन्याचे? 13 नाही नाही किती महिन्याचे? महिन्याचे किती आहे? 2 महिने 3 महिन्याचे? काय भावाने त्याचे? काय भावाने त्याचे? गेले ना घेतले का तुम्ही? नाही देईल ना आपण. द्यायचे ना? हा द्यायचे. किती नाही द्यायचे? 6,500 6,500 रुपये की पट्टी के हिसाब से उनको देना है दोस्तों. ये माल पूरा 6,500 रुपये आस्किंग है इसका. अगर आप पूरा लॉट लेते हो तो लॉट में आपको वो कम ज़्यादा करवा देते हैं, जैसे 5,000 5,500 मिंडो में. दोस्तों कैसा रहता है इनके उम्र जो है, अभी जैसे उन्होंने बताया 1.5 महीना 2 महीने की उम्र उन्होंने बताई है, उसके हिसाब से बच्चे काफ़ी बड़े दिख रहे हैं. ये मिंडो का भी एक लॉट है यहाँ पे, अभी इनकी भी उम्र पूछेंगे हम लोग. ये भी काफ़ी बड़े बच्चे लग रहे हैं. भाई ऑनर से पूछेंगे इसकी डिटेल्स. भैया कितने महीने के? कितने कितने महीने के बच्चे? ये 3-3 साढ़े 3-3 महीने के. 3-3 साढ़े 3-3 महीने के. ये क्या भाव से देने के अपने को? ये मालक की प्रकार तेरी अंदाज 10,000 रुपये नग्नि. इस पट्टी का 10,000 रुपये बता रहे दोस्तों आस्किंग. इनके जो ऑनर है वो बाहर गए, उन्होंने अंदाजा रेट बताया, उसमें भी आपको कम ज्यादा वो करवा देते हैं. ये देखिए दोस्तों मेंढो की खूबसूरती. हंटेल मेंढे है, नाक नकोटे आप देखिए इनके माशाल्लाह, और हाइट लेंथ देखिए. जैसे एक बड़े बकरों की जो हाइट जाती है 44-45, ऐसे इनकी हाइट होती है. आइए ऑनर से पूछेंगे इसकी प्राइस. दादा आप ले हो? इंचे ऑनर फोन पे बात कर रहे हैं, पूछेंगे इनसे डिटेल्स लेंगे इनके. बड़े गुलाबी है माशाल्लाह. दादा आपले ना? हाँ. किती महिन्याचे असेल? 8 महिन्याचे. 8 महिन्याचे. आपण कुठले? इकडेच आहे. इकडेच आहे का? विसापूर. कुठे? विसापूर. विसापूर येवला? नेहमी येता तुम्ही जर आपल्याला? नाही आम्ही आता घ्यायचे. हा का? ते काय भावने द्यायचे आपल्याला? हे आता 25 पर्यंत जाईल. 25 पर्यंत 25,000 रुपये नक्की हिशोबाने. दोस्तों 25,000 रुपीज पर पीस के हिसाब से बताया उन्होंने. जैसे आप आते हो पूरा लॉट लेते हो तो उसके हिसाब से आपको वो कम ज़्यादा भी करवा देते हैं. माशाल्लाह खूबसूरती वगैरह काफ़ी अच्छी है मेंढो की. उनसे नंबर भी लेंगे हम लोग. दादा तुमचा नंबर सांगा ना. 9158 9159 69 86 55 69 86 55. ठीक है, धन्यवाद. दोस्तों अगर आपको यहाँ पे आना है और क्वांटिटी में माल खरीदना है तो आप आपको जल्दी आना पड़ेगा. जैसे 6, 6:30, 7 बजे तक आपको पहुँचना पड़ेगा यहाँ पे, जब बाजार की शुरुआत होती है तब, तभी आप क्वांटिटी में माल खरीद पाओगे. क्योंकि अगर आप लेट आते हो 9 बजे 8 बजे भी अगर आप लेट हो गए, 8 बजे भी आ गए, तब तक यहाँ के जो आसपास के व्यापारी होते हैं वो माल खरीद कर सेल के लिए खड़े हो जाते हैं दूसरे साइड में. बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर क्वांटिटी माल आपको खरीदना है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, अगर सस्ता माल खरीदना है तो जल्दी आना पड़ेगा. ये बाज़ार का जो टाइमिंग रहता है वो 6:30 7 बजे से स्टार्टिंग होकर
और 9:30-10 बजे तक का ख़त्म हो जाता है। अगर आपको सिंगल डबल लेना है बस पालने के हिसाब से तो आप कभी भी आ सकते हो। स्पेशल मेंढे का जो मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा है, मेंढों का मार्केट। मेंढा अगर आपको ख़रीदना है क्वांटिटी में तो आप जल्दी आना। नासिक सिटी से अगर आप आ रहे हो तो द्वारका से तो आपको ये 20-22 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और आप आओगे तो जैसे प्राइवेट गाड़ी से अगर आप आ रहे हो तो जैसे गूगल मैप पे आप डाल दोगे सायखेड़ा तो आपको बाज़ार तक का मैप मिल जाएगा। और मैं तो बोलूँगा कि आप प्राइवेट कार से ही आना, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे आपको बसेस वगैरह मिलना मुश्किल होती है। दोस्तों ये भी कुछ हंटेल के बच्चे हैं, इसके अंदर इसमें मिक्स बच्चे हैं, हंटेल भी है, कुछ क्रॉस में भी है। अभी आपने देखा पिछले जो ऑनर से मैंने बात की उसमें 8 महीने का बच्चा माशाल्लाह, जैसे 4 दांत 6 दांत के बकरे होते हैं उस टाइप का, बस 8 महीने का बच्चा था। अब ये बच्चे भी कुछ 2 महीने के आसपास के होंगे, हम पूछेंगे ऑनर से डिटेल्स। किती महिन्याचे दोन अडीच महिन्याचे दोढाई महिने का बच्चा बताया दोस्तों ने। हा कितीला दिला हो आता? सगळी दिली सगळी। काय भावानी? हा काय भावानी दिली? 6,600 ने दिली ते। 6,600 ने दिली दोस्तों, 6,600 रुपये उन्होंने लॉट बेचा है पूरा 6,600 के भाव से। उसमें 2-3 बकरिया भी थी और बाकी सारे मेंढे थे। इससे भी सस्ता मिलेगा दोस्तों आपको, आप विजिट करिए सायखेड़ा बकरा मंडी। दोस्तों आप बकरा मंडी में आओगे तो एसेसरीज मत छोड़ना। एसेसरीज में देखो आपको हर चीज मिलेगी यहाँ पे, बेल्ट वगैरह, रस्सी, जो भी कुछ चाहिए होगी, जैसे पैर के घुंघरू, बोरकड़ी, बेल और फीडर वगैरह भी है यहाँ पे माशाल्लाह। जैसे हम बाइक के शोरूम में, कार के शोरूम में जाते हैं, कार खरीदने के बाद, बाइक खरीदने के बाद वहाँ पे एसेसरीज वगैरह खरीदते हैं, वैसे भी आपको यहाँ पे बकरियों की सारी एसेसरीज मिलेगी, फीडर वगैरह। ये अपनी दुकान है, अपनी दुकान है। ये इसका फीडर का क्या रेट लगा है? फीडर का क्या रेट है इसका? क्या? हाँ गवान का 1850 में। 1850 गारंटर वाले मिलता है ये। हाँ हाँ, ये कम से कम अपने 10-4 लोग भी खड़े हैं, मैं बताता हूँ, देखो मेरे पता नहीं। ए इधरा बेटा, ए देखिए दोस्तों चप्पल उतार, कितना मजबूत फीडर है इनका। इसमें 2 से 3 लोग भी खड़े रहेंगे तो टूटेगा नहीं। कम से कम तीन लोग रहेंगे तो भी टूटेगा नहीं दोस्तों। फीडर अच्छे क्वालिटी में है और इनका एसेसरीज का पूरा शॉप है, एसेसरीज वगैरह आपको सारी मिलेगी यहाँ पे। तुम्हारा नंबर दो ना। शेतकरी रोप सेंटर है, योले से, योले का शेतकरी रोप सेंटर है। हमारा मोबाइल नंबर 8087533214, ये योले का नंबर है, आप जिसको भी लगा तो आ जाइए योला भी। अच्छा, और प्राइस वगैरह लगा देंगे? प्राइस वाले एकदम रीजनेबल रेट में लगाइए, आपको होलसेल रेट में मिलेगा। जो भी लगाए बाहर से, अगर कोई कॉल करके ट्रांसपोर्ट वगैरह मंगाएगा तो हो जाएगा क्या? सब हो जाएगा हमारे पास से, सब हो जाएगा। अब जब मंगाओ तब मिल जाएगा हमारे। क्या नाम आपका? जुल्फिकार जुबैर अंसारी। जुल्फिकार भाई, योला से? योला से ना, ठीक है जुल्फिकार भाई, शुक्रिया। इसके ऊपर आपको नंबर मिलेगा ऑनर का, जुल्फिकार भाई, जुबैर भाई, रस्सी वाले। ट्रांसपोर्ट भी उन्होंने बताया हो जाएगा, अब कांटेक्ट करना उनसे।
तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग इधर ही खत्म करेंगे। आपने हमारा पिछला वीडियो भी देखा होगा बकरियों का, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो भी देखिएगा। उसमें भी काफ़ी लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर और प्राइस हमने बताया है और अच्छे क्वांटिटी में बकरे बकरियां और मेंढों का तो आपने देखा ही वीडियो, काफ़ी क्वांटिटी में माल आया है माशाल्लाह। इधर भी हमने आपको काफ़ी लोगों के नंबर वगैरह लेकर दिए हैं, आप कॉन्टैक्ट करें, बात करें उनसे, जैसे भी आपको समझ में आता है आप उनसे डील कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों वीडियो बनाने के दौरान कुछ गलती कोताही मुझसे हुई होगी तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों।